हमको चिंता करने का विषय है कि राजभर समाज का वोट उनके पास न जाकर क्यों बटा। लीलावती राजभर एक निर्दल उम्मीदवार को 45,000 वोट कहाँ से मिले। ईमानदारी से गठबंधन के साथ अगर रहना है तो थोड़ा अपने भाषा पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा उनको कंट्रोल रखना चाहिए। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, हम लोग NDA गठबंधन में हैं और रहेंगे। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, कम बोलो और जब भी जुबान खोलो नाप तोल कर बोलो। ओपी राजभर को शायद बचपन का ये सबक याद नहीं है, इसलिए माइक पकड़ते ही बड़बोलेपन में कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि खुद ही फंस जाते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान भी कुछ ऐसा ही कह दिया कि अब सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव में बेटे को मिली हार की समीक्षा कर रहे थे, इसी दौरान बोलते बोलते जुबान पर योगी और मोदी का नाम आ गया और बोल बैठे कि जनता ने योगी और मोदी को नकार दिया है। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, आचरण धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। इसके पीछे मंशा जो भी रही हो वो कौन देखता है। जिस तरह कमान से तीर निकल कर वापिस नहीं आता, उसी तरह जबान से निकले बोल भी वापिस नहीं होते, इसलिए अब सफाई के बाद भी इनके बयान पर बवाल मचा है। बात निकली है तो फिर दूर तलक पहुंची है। सुनिए अनिल राजभर अब ओपी राजभर से क्या सवाल कर रहे हैं। हमारे सर्वोच्च नेता पर कोई बात कहने से पहले सोचना चाहिए, उन्होंने उनका खंडन आया है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो उनका स्वागत है, अगर कहा है तो मैं कहूँगा कि एक बार चिंतन करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है, पूरे हमारे संगठन ने प्रयास किया है, पार्टी ने प्रयास किया है, सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं। लेकिन उनको चिंता करने का विषय है कि राजभर समाज का वोट उनके पास न जाकर क्यों बटा। लीलावती राजभर एक निर्दल उम्मीदवार को 45,000 वोट कहाँ से मिल गया। जहूराबाद जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार नीरज शेखर जी चुनाव हार गए 15,000 के वोटों के आसपास से। ये कैसे हुआ ये सोचना चाहिए। तो फिर से अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करना, समाज को गुमराह करना, ये कहीं से उचित नहीं है। अनिल राजभर ओपी राजभर को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि हार से चिंतित होने और दूसरों पर हार का ठीकड़ा फोड़ने से बेहतर है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी भाषा और अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखें, ऐसी बात न बोलें कि जग हंसाई हो। उनको सलाह यही देंगे कि ईमानदारी से गठबंधन के साथ अगर रहना है तो थोड़ा अपने भाषा पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा उनको कंट्रोल रखना चाहिए। कोई हल्की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जग हंसाई हो। अब ये बात सामने आ गई ना कि भाजपा ने तो एक एक वोट दिया, आप स्वयं देखिए आपसे कहाँ गलती हुई कि एक निर्दल उम्मीदवार को 45,000 वोट मिल गया। हकीकत तो यही है कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, बेटे को लोकसभा चुनाव का टिकट, लेकिन बदले में ओम प्रकाश राजभर न 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ चमत्कार कर सके, न 2024 के लोकसभा चुनाव में। जिस पूर्वांचल में दबदबा होने का सब्ज बाग दिखाते थे, वहां की भी अधिकांश सीटें बीजेपी हार गई।